जगुआर बिग कैट्स में से एक है जो अक्सर खतरनाक नदी में से मगरमच्छ का शिकार करती है। लेकिन आश्चर्यचकित न हो अगर वे गलती से अपने इच्छित उद्देश्य से थोड़ा भी गलती करने पर खुद ही शिकार बन जाएगा। क्या आपने कभी ये क्लिप देखी है? यह तेंदुआ इन दोनों विशाल मगरमच्छ के लिए एक आनंददायक रात्रि भोज में बदल जाता है। जानवर सर्वोच्च शिकारी होते हैं। हालांकि यदि नदी में लड़ाई होती है तो ये विशाल मगरमच्छ आसानी से एक शेर को निगल जाएगा। यदि आप मगरमच्छ और बिग कैट्स के बीच सबसे अच्छी लड़ाई देखना चाहते हैं तो आप कहीं भी ना जाएं। जंगली जानवरों को कुछ चीजों के बारे में जागरूक होने की जरूरत होती है। जब वे पानी के पास आते हैं तो उन्हें नदी राक्षस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा लेते हैं। क्योंकि एक जानवर जो अपना अधिकांश समय पानी में बिताता है, उसका लगभग कोई दुश्मन नहीं होता है जिसे जीत सके। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि वे पानी में हैं, लेकिन वे वास्तव में अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शिकार करीब आता है, वे 5 फीट से अधिक करीब आते हैं, वे तुरंत हमला शुरू कर देते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और उसे पानी में खींच कर डुबो देते हैं और खा जाते हैं। मगरमच्छ के भोजन के लिए यहाँ एक और चौंकाने वाली क्लिप है जो दिखाती है कि ये विशाल सरीसृप कितने खतरनाक हैं। उनके शक्तिशाली जबड़े अपने शिकार पर 150 किलोग्राम का दबाव डाल सकते हैं। ये 3 मगरमच्छों और 1 जगुआर के बीच एक अनुचित लड़ाई है और इस घायल जगुआर के पास आदिम के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। मगरमच्छ को छीनते हुए देख रहे हैं। ये जगुआर वास्तव में राक्षसी और विशाल है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह जगुआर इस विशाल मगरमच्छ के साथ आमना सामना क्यों कर सकता है। आमतौर पर जगुआर छटपटा मारेंगे और पानी में छलांग लगाकर काले कैमानों को छीन लेंगे, लेकिन उस तरह के बड़े मगरमच्छ का शिकार करने के लिए नहीं। आमतौर पर यदि आवश्यक हो तो शेर इस विशाल मगरमच्छ के साथ टकराव से बचेंगे। खासकर गहरे पानी में मगरमच्छ आसानी से अपने शक्तिशाली जबड़े से शेर को पकड़ लेंगे और उसे निगलने के लिए पानी के नीचे खींच लेंगे। जैसा कि आप इस भयानक फुटेज में देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ बिना कुछ दिखाए चुपचाप तैर रहा है। संकेत और अचानक हमला करने वाले शेरों में से एक को उसने काट लिया और उसे निचोड़ने और डुबाने की कोशिश की। मगरमच्छ के अचानक हमले ने वास्तव में दो नर शेरों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन ये शेर वास्तव में भाग्यशाली था। वह एक घातक मगरमच्छ की पकड़ से भागने में सक्षम था। आखिरकार एक शेर नदी के किनारे लौटने का सही निर्णय लिया और इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। शेरों के लिए मगरमच्छों के आसपास रहना बेहद खतरनाक है, जिनके पास शार्प के दांत और शक्तिशाली जबड़े होते हैं। विशेष रूप से गहरे पानी में पानी मगरमच्छ के लिए बहुत फायदेमंद चीजें प्रदान कर सकता है। वे शीर्ष शिकारी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ते समय वे हमेशा जीतते हैं। जैसा कि आप इस अविश्वसनीय दृश्य में देख सकते हैं, मगरमच्छ किसी तरह खुद को क्रोधित हिप्पो झुंड के बीच में ले जाने में कामयाब रहा। ये मगरमच्छ पूरी तरह से असहाय था और उसने खुद को एक हिप्पो द्वारा फेंका और काटा हुआ पाया। ये दिलचस्प क्लिप में से एक है जिसमें मगरमच्छ और बाघ के बीच बातचीत को दिखाया गया है। बाघ अपने शिकार कौशल और ताकत के लिए जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि वे शीर्ष शिकारी हैं। कोई अन्य जानवर नहीं था जो उन्हें हरा सकता था, यहाँ तक कि एक भूखा मगरमच्छ भी नहीं। और ये क्लिप साबित करती है कि ये बाघ 12 फीट लंबे नदी के राक्षस को आसानी से मार सकता है। इस वीडियो में एक मगरमच्छ तैरते हुए हिरण के शव को खा रहा है। कोई नहीं जानता कि इस शिकार को किसने मारा, लेकिन बाघ गुस्से में दिख रहा है जैसे कि मगरमच्छ ने उसका शिकार चुरा लिया हो। मगरमच्छ को कोई परवाह नहीं है और हम देख सकते हैं कि बाघ तैरते हुए हिरण के पास आना शुरू कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि मगरमच्छ हार नहीं मानेगा, इसलिए वह चाहता है कि उसका क्या है तो उसे अगली चुनौती से लड़ना होगा। इस बाघ को उस खाना पाने के लिए मगरमच्छ से लड़ाई जीतनी होगी। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण लड़ाई होगी और बाघ के लिए आसान नहीं होगी। मगरमच्छ ने काटने का प्रयास किया और उस बिग कैट को मारने के लिए कुछ देर डेथ रोल घूमता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आखिरकार बाघ ने लड़ाई जीत ली। उसने चोरी किए गए शिकार को बिना ज्यादा परेशानी के पकड़ लिया। मगरमच्छ और इस बाघ के लिए एक महत्वपूर्ण जीत बन गई है।
यहाँ एक और क्लिप है जिसमें एक मगरमच्छ को बाघों से शिकार चुराने का प्रयास दिखाया गया है, लेकिन ये आसान नहीं है। जब बाघ जमीन पर इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप देख सकते हैं कि बाघ दूसरी तरफ छोड़ दिया गया है और पकड़ रखा है और फिर उसे झाड़ियों की ओर खींच ले जा रहे हैं। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि तेज दांतों वाले मगरमच्छ के बड़े शक्तिशाली हथियार होते हैं जो ठंडे शिकार जैसे ज़ेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और इम्पाला को पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और इनका उपयोग बाघ या शेर जैसे शीर्ष शिकारियों पर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिग कैट्स को भी पता है कि उन्हें नदी में मगरमच्छों का सामना करने से बचना चाहिए। और इस वीडियो में एक युवा नर शेर को नदी पार करते हुए दिखाया गया है, तभी अचानक एक मगरमच्छ उस पर घात लगाकर हमला कर देता है। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग शायद मानते हैं कि मगरमच्छ इस शेर को मार देगा और खा जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं है। शेर पलटने में माहिर है और हमलों से बचते हुए आपको ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि एक बड़े मगरमच्छ के काटने से लगभग 3000 पाउंड प्रति वर्ग इंच का बल उत्पन्न हो सकता है। शेर के सिर पर सीधा काटने से वह लगभग तुरंत मर जाएगा। आमतौर पर मगरमच्छ घायल जानवरों को पसंद करते हैं क्योंकि वे अधिक मांस प्राप्त कर सकते हैं। कम चुनौती वाली जगुआर बड़ी बिल्लियों में से एक है जो अक्सर पानी में अपने शिकार का शिकार करती है। पीछा करना और घात लगाकर हमला करना उनकी शिकार रणनीति है। जगुआर आहार में बंदर, पक्षी, हिरण, मगरमच्छ और नदी के किनारे और नदी में कुछ भी शामिल है। इस बड़ी बिल्ली के लिए संभावित शिकार है, वह निश्चित रूप से दक्षिण अमेरिका की सभी बिग कैट्स में से सबसे अधिक जलीय है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि ये जगुआर नदी के किनारे पीछा कर रहा है। उसका एक पसंदीदा शिकार है जो उससे बहुत दूर नहीं है। वह निडर होकर चुपचाप अपने शिकार के करीब और करीब तैरता है। और अब आप इस बिग कैट्स के शिकार कौशल को देखें। उसने अपने शिकार को एक आत्मविश्वास भरी छलांग से हरा दिया और पकड़ लिया। यह बड़ी बिल्ली भूख लगने पर भीगने की परवाह नहीं करती। वे अच्छे तैराक हैं, मगरमच्छ की तरह चुपचाप तैरते हैं और चालाकी से अपने शिकार पर हमला करते हैं, फिर उसे घातक जबड़ों से पकड़ते हैं और ले जाते हैं। ये शेर और बाघ के बाद दुनिया की तीसरे सबसे बिग कैट्स के रूप में खाने के लिए जंगल में है। जगुआर अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में पानी में अधिक समय बिताते हैं। वे ज्यादातर नदी में शिकार की तलाश करते हैं, विशेषज्ञ गोताखोरी करते हैं। वे पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं, अपनी सांस रोक सकते हैं और काफी आरामदायक महसूस कर सकते हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि वे 20 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। यहाँ दक्षिण अफ्रीका से एक और क्लिप है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही दुर्लभ क्षण है जिसमें तेंदुआ कोशिश कर रहा है मगरमच्छ के काटने से बचना। इतना कठिन है कि प्रागैतिहासिक राक्षस ने वास्तव में तेंदुए को घबराहट में डरा दिया। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि जंगली जानवरों को पानी के पास आने पर किसी चीज के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता होती है। मगरमच्छ के पास आज दुनिया के सभी जीवित स्तनधारियों की तुलना में सबसे मजबूत काटने की शक्ति है। जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इस तेंदुए के लिए भाग्यशाली है कि वो घातक जबड़ों से बच निकलने में कामयाब रहा। आखिरकार आज इस विशाल सरीसृप के लिए कोई बड़ा लंच नहीं है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।